Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. पॉलिटिकल अड्डा में आपका स्वागत है. आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान. सबसे पहले पॉलिटिकल अड्डा में बात करेंगे सत्यपाल मलिक की. जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो 21 नवंबर को जिनको लेकर कहा जा रहा था, उन पर आरोप लगाया जा रहा था कि वो लोकतंत्र की हत्या करने वाले शख्स हैं, अब आज उन्हें हीरो बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर के नेताओं द्वारा ही. ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों उनका जो बयान है वो विवादों के घेरे में है, इस पर बात करेंगे हमारी पहली खबर में. दूसरी खबर में बात करेंगे नॉर्वे के प्रधानमंत्री, नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा, उसको लेकर जम्मू कश्मीर में जो विवाद हुआ और क्या संकेत देता है ये दौरा, उनकी जो मुलाकात हुई हुर्रियत के नेताओं से, दिल्ली में सरकार का मन किस तरह से बदल रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर, इस पर बात करेंगे. और आखिर में बात करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू की. नवजोत सिंह सिद्धू जो अब कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक बन गए हैं, राहुल गांधी के बाद सबसे ज्यादा उन्हीं की रैलियों की डिमांड है, ऐसा क्यों है ये भी आपको बताएंगे. जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक, जो 21 नवंबर को, तब जबकि उन्होंने जम्मू कश्मीर की विधानसभा को भंग किया, तब वो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला कांग्रेस पार्टी के निशाने पर थे और सब उन्हें लोकतंत्र की हत्या करने वाले शख्स के तौर पर सामने रख रहे थे और तब वो विलन थे. अब वो हीरो बन गए हैं क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक कार्यक्रम में ये कहा कि अगर वो दिल्ली सरकार के पास जाते या दिल्ली से राय मशवरा लेते, केंद्र सरकार से राय मशवरा लेते, तो उन्हें हो सकता है सज्जाद लोन की सरकार बनानी पड़ती और वो ऐसा नहीं चाहते थे कि इतिहास उन्हें एक बेईमान व्यक्ति के तौर पर याद करे. और इसी वजह से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो सबसे बेहतर था वो उन्होंने किया. खुद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इस बात की मांग कर रहे थे कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए. उनके पास भी संख्या बल नहीं था और ये सही भी है क्योंकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला लगातार ये मांग करते रहे थे कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए. संख्या बल उनके पास भी नहीं था क्योंकि सत्यपाल मलिक के फैसले से अगर वो इत्तेफाक नहीं रखते थे और उसको लेकर जिस तरह की आलोचना उन्होंने की, उसके बाद वो कोर्ट जा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया. उन्होंने भी कहा कि हम लोगों की अदालत में जाएंगे, यानी आम जनता की अदालत में जाएंगे और फिर वोट हासिल करेंगे. लेकिन सत्यपाल मलिक ने और काफ़ी कुछ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कहा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिन भर से ये पूरी खबर छाई हुई है जिसमें कहीं ना कहीं सवाल पूछा जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार दखलंदाजी कर रही थी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर, क्या किसी तरह का दबाव था जम्मू कश्मीर के गवर्नर पर सज्जाद लोन की सरकार बनाने का, क्योंकि उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल था और बीजेपी पिछले काफी वक्त से कोशिश कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में सज्जाद लोन की सरकार बन जाए. लेकिन इसको लेकर जो बड़ा बदलाव हुआ है वो जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक को लेकर जो रुख है उसमें बदलाव हुआ है. 21 नवंबर तक उन्हें विलन के तौर पर पेश किया जा रहा था लेकिन अब वो हीरो बन गए हैं. राज्यपालों की जो भूमिका है वो अपने आप में कई बार सवालों के घेरे में आई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रोमेश भंडारी का मामला हो या हंसराज भरद्वाज की घटना हो, बूटा सिंह बिहार में, ये तमाम राज्यपाल और इनके फैसले, सिप्ते रजी, उनका राज्यपाल के तौर पर जो फैसला था उसको लेकर सवाल उठे थे. तो कई राज्यपाल ऐसे रहे हैं जिनके फैसलों पर सवाल उठे हैं और कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा होती रही है कि राज्यपाल की जो भूमिका है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव होता है और इस तरह की कई घटनाएं पहले भी हुई हैं. सत्यपाल मलिक पर भी यही आरोप लग रहा था और अब उन्होंने जो बयान दिया है उससे यही मतलब भी निकाला जा रहा है. हालांकि ये हमेशा कहा जाता है कि वो शोभा का पद है, आमतौर पर ये कहा जाता है राज्यपाल का पद, और राजनीतिक नियुक्ति होती है राज्यपालों की, लेकिन ऐसा लगता नहीं है अब कि वो शोभा का पद है, क्योंकि अगर सिर्फ शोभा का पद होता तो सरकार संभालते ही, यानी केंद्र में सत्ता में आते ही सबसे पहले राज्यपालों को बदलने का सिलसिला ना शुरू होता और राज्यपालों की नियुक्ति करने का सिलसिला ना शुरू होता. ये अपने आप में ज़रूर कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कि राज्यपालों की नियुक्ति क्यों इतनी बड़ी प्राथमिकता होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भूमिका होती है कि सरकार कैसे बनेगी और सरकार किसकी बनेगी, वो किसको बुलाएंगे. हालांकि इसको लेकर बम्बई फैसला भी है और उसके तहत भी जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जा सकते थे और न्याय मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया. हालांकि अब वो हीरो के तौर पर पेश कर रहे हैं सत्यपाल मलिक को इस बयान के बाद और सवालों के घेरे में है केंद्र सरकार की भूमिका, जो कुछ कहा सत्यपाल मलिक ने. लेकिन सत्यपाल मलिक ने यह भी साफ किया कि कैसे जम्मू कश्मीर के राज्यपाल होते हुए उनके पास, क्योंकि जम्मू कश्मीर का संविधान अलग है, इस वजह से उनके पास ये अधिकार है कि उन्हें केंद्र सरकार से जाकर राय मशवरा नहीं करना था. और उन्होंने अपनी जो पूरी स्पीच है, जो इस कार्यक्रम में उन्होंने स्पीच दी है, जो भाषण दिया है, उसमें उन्होंने दो बार इस घटना का जिक्र किया है. पहली बार जब वो जिक्र करते हैं घटना का, तब वो ये कहते हैं कि उन्होंने राय मशवरा नहीं लिया, उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं थी और उन्होंने ऐसा नहीं किया कि केंद्र से वो कोई राय मशवरा लेते. लेकिन आगे चलकर वो जब दोबारा इसका जिक्र करते हैं तो वो ये कहते हैं कि
अगर वो करते तो शायद उन पर दबाव आता। तो कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर है कि सत्यपाल मलिक जो विलन थे 21 नवंबर को, वो अब हीरो बन गए हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर को लेकर मोदी सरकार की सोच में कुछ बदलाव आया है। इसका साफ तौर पर संकेत मिला तब जबकि नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री के बोंडेविक ने श्रीनगर का दौरा किया, जम्मू कश्मीर का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने मुलाकात की हुर्रियत के अलगाववादी नेताओं से, मीरवाइज उमर फारूक से और सैयद अली शाह जिलानी से। इस मुलाकात के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग के एक प्रतिनिधि की भी मौजूदगी दर्ज की गई। आर्ट ऑफ लिविंग से भी द प्रिंट ने बात करने की कोशिश की तो एक सूत्र ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग का काम है कि वो लोगों के बीच जाकर मानवता का काम करें, और कश्मीर में क्योंकि संघर्ष चलता रहता है, कश्मीर एक संघर्षपूर्ण राज्य है, तो इस वजह से वहाँ पर भी उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो शांति स्थापित करें और उसके लिए कोई कोशिश करें। लेकिन जो ये पहल है वो क्यों की गई, भारत सरकार का जो नज़रिया है वो बदला है, उनका ये मानना है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के दरवाजे अगर खोले जाएं, यानी वहाँ पर अगर विदेशी गणमान्य मेहमानों को ले जाया जाए और उन्हें कश्मीर के हालात दिखाए जाएं, तो इससे कश्मीर की जो छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत की जाती है, पेश की जाती है, उसमें कुछ बदलाव आएगा। और इसी के तहत ये कोशिश की गई नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री के बोंडेविक का जो दौरा कराया गया जम्मू कश्मीर का। तब जबकि वो दौरा कर रहे थे उस वक्त कई सवाल उठे थे। उमर अब्दुल्ला ने सवाल किया था, उन्होंने ट्वीट किया था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और NSA अजीत डोवाल इस बात की स्थिति, इस पूरी मामले की स्थिति को साफ करें कि ये जो मुलाकात है वो किस लिए कराई जा रही है, इसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि के बोंडेविक ने श्रीनगर में दौरा किया, जम्मू कश्मीर का दौरा किया, यहाँ पर मुलाकात की हुर्रियत के नेताओं से, और फिर उन्होंने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाकर भी मुलाकात की नेताओं से उसके कुछ ही दिन बाद। तो क्यों ये मुलाकात कराई गई, इसको लेकर उमर अब्दुल्ला ने सवाल पूछा था। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ट्वीट किया था, उन्होंने भी सवाल पूछा था कि ये मुलाकात क्यों कराई जा रही है, कौन करा रहा है, कौन अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है, अगर ये बताया नहीं जाएगा तो उस अधिकारी के वो इस्तीफे की मांग करेंगे, ये उन्होंने कहा था। मीरवाइज उमर फारूक की तरफ से, अलगाववादियों की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि के बोंडेविक जब आए उनसे मुलाकात की तो क्योंकि नॉर्वे का इतिहास रहा इस तरह का कि वो संघर्ष समाधान के लिए सकारात्मक पहल करते रहे हैं, कई और देशों में उन्होंने ऐसा किया है जहां पर संघर्ष चल रहे थे, और उनसे वो उम्मीद करते हैं, अलगाववादी नेताओं का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि वो कश्मीर के लिए भी कुछ अच्छा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि यहां पर शांति स्थापित हो। के बोंडेविक की तरफ से भी उन्होंने ये बताया कि ये कहा गया कि वो कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और भारत के बीच में बातचीत शुरू हो। इसे अपने आप में एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, भारत सरकार की नीति में बदलाव के तौर पर या सोच में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है कि एक सोच में बदलाव हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है कि अब से कुछ दिनों पहले ही भारत के पाकिस्तान में राजदूत बिसारिया ने दौरा किया था जम्मू कश्मीर का, उनके साथ कई और राजदूत गए थे, और तब उन्हें यह महसूस हुआ कि अगर जो भारत में अलग अलग देशों के राजदूत हैं उन्हें या जो दूसरे गणमान्य लोग हैं, विदेशी मेहमान हैं, उन्हें अगर कश्मीर ले जाया जाएगा और यहां का दौरा कराया जाएगा तो कश्मीर में जो असली ज़मीन पर हालात हैं उनकी सही तस्वीर दुनिया में पेश होगी। अभी जो तस्वीर दुनिया में जा रही है कश्मीर की वो उस तरह की नहीं है जैसे कश्मीर में हालात हैं, तो भारत सरकार के पक्ष में है। इसमें एक और अहम भूमिका रही यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट आई थी अब से कुछ दिनों पहले, गर्मियों में ये रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में गंभीर सवाल उठाए गए थे भारतीय लोकतंत्र के बारे में, जम्मू कश्मीर में ह्यूमन राइट्स की जो स्थिति है उसको लेकर, और इससे भारत की एक अच्छी छवि दुनिया के सामने पेश नहीं हो रही थी। ये चुनावी साल है, करतारपुर कॉरिडोर खोलने का जो श्रेय है वो नरेंद्र मोदी सरकार लेना चाहती है, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी ये जो नज़रिया है उसका बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक बड़ा सेगमेंट जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ ताकत के बल पर या सेना के बल पर शांति को स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन ऑल आउट जैसे जो घटनाएं हैं वो की जा रही हैं, वो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं आतंकवादियों के। पिछले हफ्ते ही जो कश्मीर में पिछला हफ्ता गुजरा है वो कश्मीर का पिछले काफ़ी समय में सबसे ज़्यादा हिंसात्मक हफ्ता था। इस पूरे हफ्ते के दौरान कई हत्याएं हुई जिसमें ख़ास तौर पर आतंकवादी शामिल थे। आपको बता दें कि 21 लोग मारे गए हैं इस एक हफ्ते के दौरान कश्मीर में, और ऐसा पिछले काफ़ी समय में नहीं हुआ था जिसमें ज़्यादातर आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन कुछ आम नागरिक भी मारे गए जम्मू कश्मीर में। इसको लेकर जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि लोगों को से बातचीत करने की भी ज़रूरत है, तो इस तरह की ज़रूरत भी महसूस की जा रही है। वहीं साथ साथ अब दिल्ली में ये परिवर्तन भी दिखाई दे रहा है, इस सोच को लेकर परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि जम्मू कश्मीर में
आप मेहमानों को लेकर जाएं, उन्हें जम्मू कश्मीर के हालात को दिखाएं। नॉर्वे के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके दौरे को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि नॉर्वे की भूमिका रही है, जो संघर्ष के क्षेत्र रहे हैं दुनिया में अलग अलग, जैसे श्रीलंका में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाने की कोशिश की थी, वार्ता कराने की कोशिश की थी सिन्हाला सरकार के बीच में और तमिलन्स के बीच में, इस तरह की उनकी भूमिका कई और देशों में रही है और उसी तरह की भूमिका की वो कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में भी उनकी भूमिका हो और इसको NSA अजीत डोवाल के स्तर पर उनकी तरफ से इसको सिग्नल दिया गया था, उनकी तरफ से अप्रूवल मिला था इस दौरे को, तो इसे बदलाव के तौर पर देखा जरूर जा रहा है। लेकिन सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि भारत सरकार लगातार ये कहती रही है कि वो किसी को भी भारत में आकर बातचीत नहीं करने देंगे जम्मू कश्मीर में जाकर हुर्रियत के नेताओं से, खुद सरकार बातचीत नहीं कर रही है हुर्रियत नेताओं से, तो फिर क्यों नॉर्वे के प्रधानमंत्री को बातचीत करने दी गई, ये अपने आप में जरूर सवाल पैदा करेगा। नवजोत सिंह सिद्धू, जो किसी जमाने में बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक हुआ करते थे, अब कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा उन्हीं की रैलियों की डिमांड सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जानकारी मिल रही है कि सबसे ज्यादा राहुल गांधी के बाद अगर किसी की रैली की मांग है तो वो नवजोत सिंह सिद्धू की रैली की मांग है, और खास तौर पर करतारपुर कॉरिडोर को लेकर जो उनकी तरफ से पहल की गई थी उसके बाद, और जो उन्होंने बयान दिया उसको लेकर उसके बाद उनकी मांग और ज्यादा बढ़ गई है। वैसे भी नवजोत सिंह सिद्धू का जो स्टाइल है, जिसमें वो व्यंग मजाक और इसका जो घालमेल पैदा करते हैं, लोगों के साथ जो कनेक्ट स्थापित करते हैं, उसको लेकर उनका स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आता है। रैलियों में वो सीधे लोगों से जुड़ जाते हैं और इस वजह से भी उनकी रैलियों की मांग होती रहती है। लेकिन खास तौर पर अभी करतारपुर की वजह से, वहां पर जो उनकी भूमिका रही उस कॉरिडोर को शुरू करने को लेकर, उसकी वजह से उनकी मांग और ज्यादा बढ़ गई है, यानी और ज्यादा लोग अब उन्हें सुनना चाहते हैं। उन्होंने बयान भी दिया था करतारपुर को लेकर जो काफी चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कम से कम उन्होंने अगर किसी को गले लगाया तो उससे 15 से 16 करोड़ लोगों का भला हुआ है और इसके आखिर में कम से कम राफेल डील जैसा हाल तो नहीं हुआ है। उसके बाद उनकी पहल के बाद ही सरकार अब एक कॉरिडोर बनाने जा रही है जिसकी वजह से लोग करतारपुर में गुरुद्वारा साहिब के जाकर दर्शन कर सकेंगे, तो ये बयान उन्होंने दिया। इसके अलावा भी वो जो बयान देते हैं उसमें वो काफ़ी गंभीर बातें भी कह देते हैं, लेकिन वो व्यंग और हास्य का इस तरह से घालमेल करते हैं कि वो निशाने पर नहीं आते हैं। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में एक रैली में कहा कि प्रधानमंत्री कठपुतली की तरह हैं उद्योगपतियों के लिए, और वो झूठ बोलते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो निशाने पर नहीं आए। लेकिन राज बब्बर जब इस तरह की कोई बात करते हैं तो वो जिस तरह से अपनी बात को रखते हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाती है, वो विवादित बन जाती है, और इस वजह से भी नवजोत सिंह सिद्धू की मांग बढ़ती जा रही है। सोमवार को ही मध्य प्रदेश में, जहां कल चुनाव होने वाला है, वहां उन्होंने एक दिन में 6 रैलियां की। अब जो आगे चुनाव होने हैं तेलंगाना में और राजस्थान में, वहां पर उनकी 50 रैलियां होंगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रोग्राम बनाया जा रहा है, शेड्यूल बनाया जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की राजस्थान और तेलंगाना में कम से कम 50 रैलियां कराई जाएं। तो उनकी रैलियों की डिमांड बढ़ती जा रही है, उनका जो स्टार पावर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके व्यंग और हास्य को तो लोग सुनना ही चाहते हैं, लेकिन वो जिस तरह के कटाक्ष करते हैं सरकार पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उसको भी लोग सुनना चाहते हैं, और कांग्रेस पार्टी के लिए इसलिए अब वो राहुल गांधी के बाद नंबर 2 स्टार कैंपेनर बन गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। पॉलिटिकल अड्डा में आज के लिए इतना ही, आपके साथ मैं सुमेरा खान।